अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इसको लेकर कंपनी बाग चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही। करीब 6 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। कचहरी में मौजूद पार्क के पास प्रदर्शन शांतिपूर्वक खत्म हो गया। नवीन मार्केट में समाजवादी पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। दलित नेता धनीराम पैंथर की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग चौराहे पर जमा हुए। प्रदर्शनकारी कंपनी बाग चौराहे से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर आवास गोलटोली होते हुए हर्डर चौराहा से कचहरी तक पहुंचे। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव व लोगों की सुविधा के लिए वीआईपी रोड पर 2 घंटे के लिए यातायात का दबाव रहा। कानपुर में इस प्रदर्शन को छोड़कर भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। प्रदर्शन कर रहे संगठन के द्वारा सरकारी नौकरियों में पदस्थ एससी एसटी और ओबीसी कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग की गई। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि सरकारी सेवाओं में एससी एसटी व ओबीसी कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किया जाए ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए ताकि हायर जुडिशरी में एससी एसटी व ओबीसी श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं ताकि सबसे ज़रूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं से लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह साफ कहा था कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। नफीस अहमद, दशक लाइव न्यूज़, कानपुर।